नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 न्यूज के इस शनिवार स्पेशल रिपोर्ट में। आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्यों धीमी चाल चलते हैं शनिदेव, किसने और क्यों दिया था उन्हें लंगड़ा होने का श्राप, आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। सभी ग्रह बहुत ही जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन एकमात्र शनिदेव ही ऐसे हैं जो बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा चौंका देने वाला है, यानी कि शनिदेव एक राशि में करीबन 2.5 वर्ष तक उपस्थित रहते हैं। लेकिन क्या न्याय के देवता की इस धीमी चाल का कारण आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके पीछे का असली रहस्य बताएंगे। शनिदेव की चाल से जुड़ी इस कहानी के बारे में हम बताएंगे। कहते हैं कि शनिदेव की माता संज्ञा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। जब शनिदेव अपनी माँ के गर्भ में पल रहे थे तो उनकी माता दिन रात शिव जी की आराधना में लगी रहती थी, लेकिन वह शनि के पिता सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाई और शनिदेव का रंग रूप काला हो गया। अपने पति के ताप से बचने के लिए संज्ञा अपनी ही छाया सवर्णा को पति सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव के पास रहने का आदेश देकर स्वयं अपने पिता के यहाँ चली गई। संज्ञा के जाने के बाद सूर्यदेव और शनिदेव इस बात को समझ नहीं पाए कि वह केवल संज्ञा की छाया है जो सवर्णा है। सवर्णा और सूर्यदेव के कुल 5 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। कहा जाता है कि शुरुआत में सवर्णा शनिदेव का पूरा ख्याल रखती थी, किंतु बाद में वह एकदम बदल गई और शनिदेव की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। शनिदेव इस बात से हमेशा दुखी रहने लगे। एक दिन जब सवर्णा अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी शनिदेव ने भी उनसे खाना मांगा, किंतु वह उनकी बात अनसुनी कर रही थी। तभी क्रोध में आकर शनिदेव ने अपना एक पैर उठाकर उनको मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पलट कर सवर्णा ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनका एक पैर फौरन टूट जाए। अपनी माँ के मुख से ऐसा श्राप सुनकर शनिदेव तुरंत अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुँचे और उन्हें सारी बातें बताई। यह सब सुनकर शनिदेव के पिता सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि एक माँ होकर अपने पुत्र को ऐसा कठोर श्राप वो कैसे दे सकती है। तब सूर्यदेव सवर्णा के पास पहुँचे और उससे कड़ाई से सच्चाई पूछने लगे। भयभीत होकर सवर्णा ने सारी सच्चाई सूर्यदेव को बता दी कि वह संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया है। सूर्यदेव ने शनिदेव को समझाया कि भले ही वह उनकी माता नहीं पर माँ की छाया ही है, इसीलिए उनका श्राप खाली तो नहीं जाएगा, किंतु श्राप का प्रभाव इतना कठोर भी नहीं होगा कि उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ जाए। सूर्यदेव ने शनिदेव को बताया कि उनका पैर तो रहेगा लेकिन उनकी चाल लंगड़ी हो जाएगी। इस तरह से अपनी माँ के प्रतिरूप से मिले श्राप के कारण शनिदेव लंगड़े हो गए और उनकी चाल धीमी पड़ गई। आज की इस रोचक कथा में हमने जाना कि एक छोटी सी गलती की वजह से शनिदेव जी को इस तरीके से लंगड़ा होना पड़ा है, एक श्राप के कारण उन्हें अभी भी धीमी चाल में चलना पड़ता है। हमारी आज की शनिवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।